चलिए पेज नंबर 3.43 P3 सैलरी का क्वेश्चन है और ये क्लासिक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां पर रेजिडेंशियल स्टेटस और सैलरी दोनों इंटीग्रेट हुआ है। तो हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस में जितना भी हमने किया था रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना और इंडियन इनकम फॉरन इनकम उसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ सैलरी में अप्लाई कर रहे हैं और ये CS दिसंबर 2001 में आया था। उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स विजिट्स इंडिया एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स फॉर 120 डेज, यानी कि वो पिछले 15 साल से हर साल 120 दिन के लिए इंडिया आ रहा है। तो एक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है और इसमें खास बात यह है कि क्वेश्चन साइलेंट है, ये एक्स इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन है। तो हम लोग एक बार मानते हैं अगर वो इंडियन सिटीजन है तब इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, फॉरेन सिटीजन है तब रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। अगर इंडियन सिटीजन है तो इसमें लिखा हुआ है कि वो हर साल 120 दिन के लिए आता है फिर चला जाता है, और क्यों आ रहा है वो, टू फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। और ये सेटल कहाँ है, अफ्रीका में, सेटल कहाँ है अफ्रीका में, और वो अफ्रीकन कंपनी के ऑन बिहाफ ऑफ अफ्रीकन कंपनी ही कम्स टू इंडिया फॉर प्रमोशन ऑफ गुड्स, यानी कि वो विजिट के लिए आ रहा है। विजिट का मतलब क्या बताया था, आएगा तो आया है तो जाएगा, ही विल रिटर्न बैक। तो ये एक्सेप्शन में फॉल करिए, इंडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया ऑन ए विजिट और ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कम्स ऑन इंडिया टू विजिट, समझ में। तो इंडियन सिटीजन हुआ तो विजिट के लिए आ रहा है, 60 डेज का कंडीशन चेक नहीं करना, सिर्फ 182 डेज का कंडीशन चेक करना, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, नॉन रेजिडेंट। लेकिन अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो 60 डेज का कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, सॉरी अगर वो फॉरेन सिटीजन है तो दोनों कंडीशन चेक करेंगे 182 डेज और 60 डेज, और 60 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है प्लस पिछले 4 साल में 365 दिन का भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस आर तो हो ही गया। अब अगर एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाए, दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर जाए तो ओआर हो जाएगा, पिछले 10 साल में उसको दो बार रेजिडेंट होना पड़ेगा, तो 10 साल में दो बार रेजिडेंट है, 60 डेज एंड 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स, और पिछले 7 साल में 730 दिन होना था वो भी हो रहा है, तो इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, आर डैश ओआर। अगर ये फॉरेन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तब भी वो एक्सेप्शन में फॉल करेगा, तो भी उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, नॉन रेजिडेंट। यानी कि दो ही केस बनेगा, एक नॉन रेजिडेंट का बनेगा और दूसरा आर डैश ओआर का बनेगा, आर डैश ओआर का केस नहीं बन रहा है। अब अगर एनआर है तो इंडियन इनकम टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम नॉट टैक्सेबल होगा, और अगर आर डैश ओआर है तो बोथ इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम आर टैक्सेबल, इंडियन इनकम सोर्स बेसिस पे टैक्सेबल होगा, फॉरेन इनकम रेजिडेंट बेसिस पे टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो 8 महीने अफ्रीका में काम कर रहा है, सैलरी ऑफ 8 मंथ्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन अफ्रीका, और उसकी 20,000 पर मंथ सैलरी है, तो टोटल सैलरी हो गई कितनी, 1,00,000 का, सिंस सर्विसेज आर रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ये फॉरेन इनकम हो गया। अगर ये फॉरेन इनकम है तो आर डैश ओआर तो देगा ही टैक्स, एनआर नहीं देगा, एनआर नहीं देगा, तो हमने वही लिखा है आर डैश ओआर में 1,60,000, एनआर नहीं देगा। इसके बाद सैलरी ऑफ 4 मंथ्स फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, वो 120 दिन के लिए इंडिया आया है तो रेंडर्ड इंडियन इनकम है तो 80,000, और अगर ये इंडियन इनकम है तो दोनों टैक्स देंगे, तो हमने सैलरी ऑफ 4 मंथ्स दोनों जगह हमने टैक्स कर दिया। इसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन इन अफ्रीका, अब रेंट फ्री अकोमोडेशन इन अफ्रीका है तो ये फॉरेन इनकम हो गए, लेकिन वो 4 महीने इंडिया में रह रहा है, इसका मतलब बाकी 4 महीने जो अफ्रीका में अकोमोडेशन या तो खाली होगा या फिर उसकी फैमिली रह रही होगी, दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो दोनों ही केस में क्या लिखा हुआ था, रेंट फ्री अकोमोडेशन या अकोमोडेशन केस में टैक्सेबल किस बेसिस पर होता है, प्रोवाइडेड बेसिस पे, मेकिंग अवेलेबल फॉर यूज वेदर इंजॉयड और नॉट, तो ये सारा टैक्सेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन ये फॉरेन इनकम है सिर्फ आर डैश ओआर टैक्स देगा और एनआर टैक्स नहीं देगा, ये तो होगा। तो हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन में हमने टैक्स कर दिया 36840, हम लोग अभी आगे बताएंगे अकोमोडेशन सैलरी हमने कैसे कैलकुलेट किया। इसके बाद गेस्ट हाउस फैसिलिटी, जब वो इंडिया आ रहा है तो रह कहां रहा है, गेस्ट हाउस में रह रहा है, इंडियन इनकम है, टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो इंडिया ऑफिशियल काम के लिए आ रहा है, एंटायर 4 मंथ्स इज लिविंग इन गेस्ट हाउस फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो इंडियन इनकम है, तो लेकिन एंटायर इनकम इज एक्सेप्ट, जो हमने यहां लिख दिया। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस, जब इंडिया में है तो उसे कन्वेंस अलाउंस दिया जा रहा है, 10,000 रुपया का दिया जा रहा है, 8,000 वो ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च कर रहा है, तो
तो 2000 टैक्सेबल होगा और ये इंडिया में दिया जा रहा है इसलिए इंडियन इनकम है ना, तो अगर इंडियन इनकम है तो दोनों जगह टैक्सेबल होगा। फिर एजुकेशन फैसिलिटी इन इंडिया 15000 रुपया और इंडिया में इसलिए इंडियन इनकम है, और एजुकेशन फैसिलिटी में 1000 पर मंथ पर चाइल्ड का एग्जेंप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो एजुकेशन फैसिलिटी इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी कंपनी का खुद का नहीं है, कोई एग्जेंप्शन नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल रहेगा। इसके बाद उसे एजुकेशन एंड होस्टल अलाउंस दिया जा रहा है 700 रुपया। कहां दिया जा रहा है? यूएसए में दिया जा रहा है, तो फॉरेन इनकम हो गया। एजुकेशन अलाउंस का कितना एग्जेंप्शन मिलता है? 100 रुपए। होस्टल अलाउंस का 300 रुपए, टोटल हो गया 400। 300 इंटू 12 3600, क्योंकि ये फॉरेन इनकम है, सिर्फ R-OR में टैक्स किया, NR में टैक्स नहीं किया। रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए अकोमोडेशन सैलरी निकालना है, उसे अकोमोडेशन अप्रैल से लेकर मार्च तक दिया गया, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक वो सारी सैलरी ले लेंगे जो इंडिया में टैक्सेबल है, वही तो लेंगे। अब देखिए कौन कौन सी लेंगे, 160000 R-OR का निकालेंगे क्योंकि NR में तो टैक्सेबल ही नहीं है, 160000 प्लस 80000 प्लस 2000 कन्वेंशनल अलाउंस का प्लस एजुकेशन एंड होस्टल अलाउंस का 3600, टोटल आ गया 245600 इंटू 15% 36840, तो ये 36840 टैक्स मिल जाएगा। आया तो ये टोटल कर दिया तो आंसर आ